भूख लग रही है। सुबह से बैठे बैठे 10 चिप्स के पैकेट खा चुकी हूँ। पेट की भूख तो शांति नहीं हो रही। एक तो यहाँ पे बैठे बैठे लॉकडाउन में बोर हो गए हैं। क्या खाऊं? नमकीन ये खाती हूँ, ये तो मैं पूरा खा जाऊंगी। ये भी खत्म हो गया। कुछ मीठा खाने का मन है। क्या खाऊं? बिस्किट खाती हूँ। अब यही बसा है, बस मीठा। बिस्किट भी कितना खा लिया। क्या करूं? कुछ घर में है क्या मीठा खाने के लिए? अरे हाँ, याद आया, मम्मी ने परसों ही एक जेली का पैकेट लाया था। क्या शायद मम्मी ने लाया होगा जेली? ओके, शायद मम्मी ने लाया होगा। अभी तो खाने का मूड नहीं है, बाद में खा लूंगी। याद आया, तो अब आज मैं वही जेली बनाऊंगी। और आप भी मेरे साथ सीख लेना कि इसी तरीके से हो घर में जेली कैसे बनाते हैं। तो मेरी भी पेट की भूख शांत होगी और आपको भी सीखने मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम मैंगो जेली बनाने के लिए जेली क्रिस्टल का यूज, जो कि मैंगो फ्लेवर का है। आपको ये आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, और जैसे कि पाइनएप्पल, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ऐसे बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। आप अपनी मर्जी से कौन सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। यहाँ पे हमें जिस शेप की जेली चाहिए उस शेप का हमें बाउल ले। चाहे तो आप आइस ट्रे में भी छोटी छोटी क्यूब बना सकते हैं जेली के। फर्स्ट हम इसमें 2.5 कप बॉइल्ड वाटर डालेंगे। हम यहाँ पे 2.5 कप बॉइल्ड वाटर डाल लेते हैं। उसके बाद हम इस बॉइल्ड वाटर में डालेंगे जेली क्रिस्टल। इसमें 2 पैकेट आते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा वाला होता है। जो बड़ा वाला पैकेट होता है उसमें होते हैं, उसमें जेली बनाने की पाउडर होती है, और छोटे वाले पैकेट में शुगर होती है। हमें ये पैकेट पूरे डालने हैं। अब हमने ये पैकेट में से पाउडर डाल दी है। अब हम इसे अच्छे से घोल लेंगे ताकि कोई गुठलियाँ ना बचे। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से घोल लेंगे, बिकॉज अगर गुठलियाँ रह गई तो हमें जेली खाते वक्त वो हमारे दांत के नीचे आ सकती है और हमें बहुत खट्टा सा टेस्ट आ सकता है। इसे अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप का बाउल लिया है, बिकॉज मुझे स्क्वायर शेप की जेली चाहिए। इसीलिए आपको जिस शेप की जेली चाहिए आप उस शेप का बाउल ले सकते हैं। अब हमें इस मिक्सचर को 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देना है। फ्रीजर में नहीं, फ्रीज में रखना है। 1 घंटे के बाद आपकी जेली रेडी हो जाएगी। और हाँ, हमें इसे फ्रीजर में बिल्कुल भी नहीं रखना है, हमें इसे फ्रीज में रखना है। तो देखते हैं 1 घंटे।
तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी जेली बन गई है, कितना अच्छा कलर आया है उसको। अब हम इसे अच्छे से प्लेट में निकाल लेंगे, बहुत धीरे निकालना है क्योंकि वो टूट भी सकती है। और अब मैं इसे मैंगो से डेकोरेट यहाँ करने पे वाली हमारी हूँ। जो रेडी हो गई है। कैसे लगी ये मैंगो की मैंगो जेली की रेसिपी आपको? मैंने इसको मैंगो से डेकोरेट कर दिया, ये बहुत ही मस्त दिख रही है, ये देखिए। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। बहुत ही यम्मी बनी है मैंगो के साथ, तो और भी यम्मी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।